का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखिएगा। मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाती हूँ। क्या है, मैं नहीं कर रही इनको, मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे? तुम थोड़ा हल्का सा करके दिखाओ, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूं? आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना, हिलना। आपको क्या, आप कितना हिला हिला कर रहे हो? जी आज दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान के ऐसे अश्लील पत्रकार औरतें, महिलाएं, लड़कियां, जो कि भाई रिपोर्टिंग के नाम पे नंगा नाच कर रही है, अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है, पता नहीं क्या क्या दिखा रही है। तो आपको दिखाने वाला हूँ और देख लेना भाई उनके कारनामे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज फिर हमेशा की तरह आपको हंसाने आ गया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के कॉमेडी हॉट न्यूज एंकर्स। देखिए इस एंकर ने जब कहा कि मुंबई का केला बड़ा होता है और हमारा केला छोटा होता है, यह सुनकर ये लेडी एंकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। देखिए यह वीडियो। तो मुंबई का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखे जरा। तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। स्माइल देखो, स्माइल। प्यारी समझ गई। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। और मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। सेल पाकिस्तान के न्यूज चैनल के मालिक का जब मस्ती करने का मूड होता है तो वो किसी खूबसूरत एंकर को अपने कैबिन में बुलाकर क्या क्या करते हैं इसकी पोलखोल इस बहादुर पत्रकार ने की है। देखिए यह वीडियो। दाश्ता का मतलब रखेल होता भाई, रखेल जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खुल करके कह रहा हूँ, नाम बदल दूंगा मैं अपना, नाम बदल दूंगा मैं अपना। ये तू मेरी घुजा में तेरी घुजाता हूं है, उसमें ब्लाइंड लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। सच्चाई भाई, अंदर ये बात, ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस एंकर के बारे में भी बात नहीं करेंगे जो अपने चैनल की हुदूद में रात गए अपना प्रोग्राम खत्म करके। ये सिर्फ इंटर्न लोगों को नौकरियां दिया करता है और उन खवातीन को, उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जाकर के वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। चलो दोस्तों अभी आपको मिलवाता हूँ आपके फेवरेट एंकर से। क्या हुआ, नहीं पहचाना इसे? ये यही एंकर है जो और करती है। और एक शो में इस एंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान की आबादी औकात से ज्यादा बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर इस एंकर ने जो जवाब दिया वो देखकर आपका हंस हंस के पेट दुखेगा। देखे ये वीडियो। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान का एक प्राइम मसला है, हम जरूरत से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, औकात से बाहर निकलते जा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ। ये आबादी कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? आप खड़ी हो जाएं, रुक जाओ, पहले यहाँ वाले आ जाएं। कैसे? मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाए। खड़े हो भाई, इनकी सोच ही गंदी है, मैं बता रहा हूँ, सोच ही गंदी है। मसला क्या है, मैं नहीं कर रही इनको, मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे? तुम थोड़ा हल्का सा करके दिखाओ, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूं? आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना, हिलना। आपको क्या, आप कितना हिला हिला कर रहे हैं? नूरानी, नूरानी भाई, जो प्रोटेक्शन इज वेरी जरूरी एंड लिपस्टिक मेरे दांत पर लग गई है। हाल देखें, यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं, मगर उठे नहीं, मगर उठा। चलो अब देखते हैं न्यूज देने के बाद बिहाइंड द कैमरा ये न्यूज एंकर्स क्या करते हैं।
करते करते ना मैंने हाथ यूं कर दिए, वो ऐसा लगा जैसे मैं हाथ जोड़ के कहने लगी हूँ कर लीजिए हमारी वेबसाइट विजिट। यार हम इतने काले क्यों आ रहे हैं? उज़्मा नुमान हेल्दी लग रही थी क्योंकि रोना आ रहा है। क्या भाई ये क्या कार्टून हो गई, देख लो सुपरमैन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही मुझे अपनी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि रोना आ रहा है। जमाने सिखाया है सबको सिखाएंगे एवरीबॉडी हाथ दो। ओहो एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। डिंग डोंग बबल क्या करूं यार, उससे कहो कि ब्राइटनेस तो ठीक करे ना, भूत नहीं बना देता। नबीला सिंधु मोटी लग रही। अरे भाई यार ये तो भाई कार्टून में भी ऊपर है, उसका तो मेरा मुकाबला नहीं है। खैर वो ज्यादा मोटी है मुझसे। सबके बाद मैंने सोचा कि कुछ मेरे से मोटी भी हैं और कुछ मेरे जितनी भी हैं, तो मुझे इतना ज्यादा डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं। अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं। ठीक है बाबा। कहा जब मैं कहलाती हूँ आता है, कहलाती हूँ आता है। डॉक्टर साहब ने कहा तनाव रख दो, तनाव तंग। Cannabis may be legal in many states, but that doesn't mean there isn't still. दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा कॉमेडी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार हमारे। तो जी आपने देखा कैसे पाकिस्तान के चुलबुले रिपोर्टर्स, मतलब क्या ही बोलूं भाई, इनका कार्टून से भी बढ़कर रहिए। जिस देश का ऐसे एंकर ऐसे मीडिया होगा ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, उस देश के अंदर ना आपको मतलब ये गलती फिल्में बनाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं को देख लो भाई, ये उनसे बहुत ऊपर है और इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं है। मुद्दे के नाम पे इनके पास क्या होता है, इंडिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ऐसा कर दिया, हम इंडिया को वो कर देंगे, वो कर देंगे। भिखारी लोग भाई, कभी भी इन्होंने अपने देश की जो कमियाँ नहीं बताई। अपने देश की कमी अगर अपने लोगों को बताओ तो लोग जो है वोटिंग करें अच्छे तरीके से देख के। लेकिन मीडिया भाई इनके पास बकवास दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं है। अपना माइक लेके कहीं पे भी घुस जाते हैं, छोटे छोटे रियलिटी शो करते हैं भाई, ये रियलिटी शो करते हैं इनके भाई, क्या ही बताऊँ मैं। इनका रियलिटी शो आप देख लोगे ना, नंगा नाच करते हैं हरामी लोग। ये रिपोर्टर तो आपने देख लिया भाई, अगर एक बताओ कोई काम की न्यूज़ की चल रही होगी इनके चैनल पर तो रिपोर्ट कौन सुनेगा, इनको तो देखते रहेंगे सब लोग भाई। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है इस देश का, और बस क्या ही मैं बोलूँ उसके बारे में, पागल हो जाओगे आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना भाई तो यार लाइक कर लिया करो, वीडियो देखो, वीडियो लाइक करोगे ना तो अगली वीडियो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी स्क्रीन पे। सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा उसके लिए, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो ढूंढ के लेके आते हैं आप लोगों के लिए यार, कि भाई अच्छी वीडियो हम अपने आप लोगों को, मतलब आप लोगों को दिखा पाए। तो सॉरी जितनी भी गलती वलती होगी तो भाई लाइक कर लेना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में कमेंट भी कर देना वीडियो के नीचे। मैं भी लूँगा अगली वीडियो, मतलब तो के लिए बाय बाय, जय हिंद।